इश्क मोहब्बत और जिसका टूट जाए तो क्या कहा? इश्क भी है मोहब्बत भी है और सफ़र चलते चलते टूट जाए तो सफ़र के टूटने के बाद ही मोहब्बत का मज़ा आता है। अगर दोनों तरफ धड़कने चलना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को हासिल कर लें तो उसका क्रेज़ कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो कामयाब इश्क से ज़्यादा नाकाम मोहब्बत जो होती है वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए। बोल इंडिया, सच की आवाज़, अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। कहा जाता है दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा माँ के बारे में बोला जाए या माँ के बारे में पढ़ा जाए, और पढ़ने के लिए वो किताब होती है मुनव्वर राना की। और इसी तरीके से इश्क की अगर हम बात करें, मोहब्बत की अगर हम बात करें, तो ऐसे ही लेखक शायर तनवीर गाजी, जिसने इस कोरोना काल पे लॉकडाउन के दरमियान एक किताब रचा है जिसका नाम है इश्क मुसाफिर। तो हम जानेंगे इश्क मुसाफिर कैसा होता है, क्योंकि ये पैगाम मोहब्बत करने वालों के लिए और इश्क करने वालों के लिए कहीं ना कहीं है। तो तनवीर जी, बोल इंडिया न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। यानी कोविड का फुल फ़ायदा आपने उठा चुका है घर पे बैठकर। हाँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप जिस काम के लिए पैदा हुए हैं वो काम करें। तो कोरोना ने एक अच्छा मौका मुझे दिया है कि मैं कुछ लिखूं और कुछ सोचूं, जो मैं लिखना चाहता था मसरूफियत की वजह से, फिल्मी दुनिया के कामों की वजह से कुछ और काम में नहीं हो पाता था। तो अभी ये एक अच्छा मौका था, मैंने उसको कैश किया। लेकिन काफ़ी दर्द अंदाज से, जैसा ही आपने लिखा हुआ है दर्द जब, अच्छा इसमें लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और अरबी उर्दू में भी है। तो अभी तो फ़िलहाल ये हिंदी है, तो उर्दू, हाँ ये अभी हिंदी पे है। उर्दू की अगर हम बात करें तो, नहीं क्या पूछा हम, उर्दू की अगर हम बात करें उर्दू लैंग्वेज में भी आने वाली है। हाँ, उर्दू में भी हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं। फ़िलहाल तो हिंदी, मेरी पहली किताब उर्दू में आई थी और जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, साहिल लुधियानवी अवार्ड। क्या बात है, माशाल्लाह। नहीं सर, अवार्डों से तो आप लोग बिल्कुल अवार्ड घर पे बिल्कुल करते हैं। तो ये वाणी प्रकाशन ने मुझे अप्रोच किया कि भाई किताब छापना चाहते हैं और उनका हिंदी में होता है, तो मैंने ठीक है। और मैंने फिर वो जो दिमाग में चल रहा था कई बरसों से, उसको कलमबंद किया और किताब की अच्छी पजीराई हो रही है, बहुत पसंद की जा रही है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप कोई काम करते हैं और उसको लोग दूसरे भी पसंद करते हैं, बहुत खुशी होती है। बहुत से कॉल्स भी आते होंगे फिर कि साहब और कुछ नया टॉपिक लाइए। जैसा मैंने कहा कि माँ के बारे में अगर पढ़ा जाए तो सबसे ज़्यादा वो मुनव्वर राना साहब की किताबें होती हैं। असल में ये किताब का जो इसके हर पेज पे अगर आप खोलोगे तो आपको मिलेगी मोहब्बत। और मेरे अपनी जो समझ है, जो मैं देख रहा हूँ दुनिया, दुनिया बड़ी डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है, नफ़रत के दौर से गुजर रही है, मसाइल के दौर से गुजर रही है। जैसे ट्रैफिक का पॉल्यूशन होता है ना फिज़ा में, हवा में, वैसे ये नफ़रत हो गई है, ये मसाइल हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ मोहब्बत ऐसे हालात में एक ऑक्सीजन का काम करती है, तो ये शायरी भी ऑक्सीजन है ऐसे ऐसे माहौल में। जी, तो बस इसी यही मकसद था और लोग पसंद कर रहे हैं, ये और अच्छा लग रहा है मुझे। सही, एक मैसेज है, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो ये बिखरते हुए तारों को एक करने का काम तनवीर गाजी कर रहे हैं। अगला प्लान फ्यूचर, कुछ बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जी, कुछ फिल्में कर रहा हूँ, कुछ म्यूज़िक वीडियोस पर काम चल रहा है, वेब सीरीज पे चल रहा है, और एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक प्रोजेक्ट है जो उसका ऐलान बहुत जल्द होगा, वो कर रहा हूँ। नहीं माशाल्लाह, बैक टू बैक आपके पिछले जो सॉन्ग रिलीज़ हुए हैं वो लोगों ने काफ़ी सराहा है, और आशा करते हैं कि इससे अच्छे और आपको सराहे लोग और सराहते हैं, नो डाउट। किताब लिखा इश्क मुसाफिर। अच्छा, हम आते कॉलेज लाइफ में आपकी, कॉलेज किधर से किया आपने? मेरी एक्चुअली पैदाइश है एक छोटा सा कस्बा है नांदूरा जी, महाराष्ट्र में है, अमरावती। तो, जी हाँ, नहीं ये महाराष्ट्र, तो वहीं पे मेरा स्कूल की तालीम भी हुई, कॉलेज भी वहाँ से करीब, एक खामगांव एक जगह है वहाँ पे ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद हम लोग अमरावती आए,
वहाँ पे मैंने एमए और पीएचडी की वहाँ रखा है जी, जो डॉक्टर तनवीर गाजी। हाँ आप कह सकते हैं डॉक्टर, लेकिन मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर तनवीर गाजी। तो पूछने का मकसद ये था कॉलेज का, तो उधर कोई इश्क के जाल में फंसे थे आप? देखिए, आप अगर इश्क नहीं करते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। तो हर आदमी इश्क करता है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन शायर जो होता है बड़ा हसास होता है, तो वो अपनी कैफियात को शायरी में कलमबंद कर लेता है। तो वही है कि जो शायरी एक्चुअली तीन चीज़ों, मैं अक्सर कहता हूँ, शेर कहने के लिए आपको स्टडी की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की। तो ये तीनों चीज़ें आपको इस किताब में नज़र आएगी। कुछ चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी के असल वाक़यात हैं, कुछ मैंने देखा है, कुछ महसूस किया है, कुछ पढ़ा है, तो सबको शायरी बना दी है। ज़िंदगी की बात हो रही है और साथ ही सफ़र की भी बात हो रही है, तो कुछ हम ज़िंदगी के सफ़र की बात करें। उस छोटे से कस्बे से उठकर आप मुंबई पहुँचे, तो वहाँ से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? कितनी कठिनाइयाँ आपको झेलना पड़ा, कितने चने चबाना पड़ा? देखिए, मैं बहुत बचपन से सोचता था कि मुंबई जाकर कुछ करना है, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी यहाँ के वाक़यात जैसे सुनता था। लेकिन वहाँ जब गांव में मैं नदी के किनारे बैठता था, कंकर फेंकता था पानी में, तो लाज उस वक्त से था। हाँ, शायरी उस वक्त दौड़ रही थी रगों में जी। तो मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि मुंबई का समंदर मुझे आवाज़ दे रहा है, लेकिन कुछ रास्ते ही नहीं बन रहे। तो शेर कहता गया, लिखता गया, धीरे धीरे पहले मुशायरों में कलाम पढ़ने लगा, और फिर कव्वाल हजरात, इंडिया के लगभग सभी कव्वाल मेरा कलाम पढ़ते हैं। बड़े मजीशुल्ला साहब मेरे घर आए थे उस वक्त, छोटे मजीद आए थे, सलीम जावेद साहब आ चुके घर पे, और सब कलाम वगैरह पढ़ते रहे, और मैं फिल्मों में मुझे काम मिला। तो इस तरह धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। तो ये हैं तनवीर गाजी, जो नदी से उठकर समुंदर तक आ गए। अब समुंदर तक आने के लिए जाहिर सी बात है, आपको ख्वाब देखना पड़ेगा, आपको सपने देखना पड़ेगा। सपने वही सच होते हैं जो अपने दिल से आप देखो, सोचो, और हमेशा ख्वाहिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इन्होंने फिर नदी से कोशिश किया था, समुंदर में आ गए। अब समुंदर और मुंबई की बात निकली है, महानगरी, एक बात तो है, जैसा आपने कहा कि मैं मुंबई सोच रहा था, समुंदर तक आने के लिए सोच रहा था, लेकिन आज जो सोचते हैं लोग, आते हैं चप्पलें घसड़ जाती हैं और बैक हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, यहाँ बॉलीवुड में ख़ासकर कामयाब होने के लिए दो तीन चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं। सबसे पहले तो आप जो कलाकार, अपनी कला पे बहुत मेहनत करें, ख़ुद को बेहतर कलाकार, चाहे किसी भी फील्ड से, आप एक्टर हों, म्यूज़िक डायरेक्टर हों, सिंगर हों, कॉमेडियन हों, तो आप अपनी कला पे बहुत मेहनत करें किसी भी फील्ड से। उसके बाद जो है तो अपना अप्रोच थोड़ा सही रखें। हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है। तो उस काम को उसकी समझ पैदा करें कि काम कैसे हासिल किया जाता है। उसके आप सीनियर्स को देखें कि ये छोटी जगह से निकलकर बड़ी जगह तक कैसे पहुंचा, इसकी क्या रुकावटें हैं, इसने क्या गलतियां की कि वो गलतियां मैं ना करूं। तो दूसरों की ठोकरों से भी आप सीख सकते हैं, और बाकी आपकी किस्मत। बात तो सही है, ठोकर लगती है तो ठोकर लगती है तभी मलहम लगाया जाता है, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है। तनवीर साहब, एक और बता दूं, अगर आप नहीं समझ रहे होंगे, गूगल तो बिल्कुल करिएगा, लेकिन एक लाइन है और जिसका वॉइस है बच्चन साहब ने दिया, तो खुद की खोज में निकल के इतना हताश है, तो वही तनवीर गाजी है मेरे साथ है। तो इश्क मुसाफिर, मुसाफिर उधर से होते होते कहते ना, हम आपके शहर में आ गए मुसाफिर की तरह, तो इश्क मुसाफिर से कुछ दर्दीले अंदाज में कुछ लाइनें। इश्क मुसाफिर से कुछ शेर सुना देता हूँ आपको। जो दर्द तुम्हें मीर की गज़लों में मिले हैं, दो लाइन सुना रहा हूँ सिर्फ। जो दर्द तुम्हें मीर की गज़लों में मिले हैं, वो सब मेरी तन्हाई के स्क्रीन प्ले हैं। तन्हाई के? जो दर्द तुम्हें मीर की गज़लों में मिले हैं, वो सब मेरी तन्हाई के स्क्रीन प्ले हैं। तुम और एक शेर इसमें है कि भीगी हुई आँखों में तेरे ख्वाब हैं अब तक, मटियाले से पानी में कई फूल खिले। और एक दो शेर सुना देता हूँ कि मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता, उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता, मेरे पानी में कोई देख रहा था चेहरा,
काश इस वक्त ये पत्थर न गिराया जाता। तो बस इस किस्म की शायरी है मुसाफिर। अंदाज काफ़ी निराला है और ये दो के बजाय चार लाइन सुना दिया तनवीर जी ने, उसके लिए शुक्रिया। और बाकी पूरी किताब और बाकी पूरी लाइन्स आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन किधर मिलेगी? अमेज़न से हासिल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से हासिल कर सकते हैं, और ये वाणी प्रकाशन ने इसको रिलीज़ किया है जी। और आप जाएं और अमेज़न से इसको ख़रीदें, फ्लिपकार्ट से ख़रीदें और पढ़ें और अपनी राय ज़रूर दें। इश्क मोहब्बत और जिसका टूट जाए तो क्या कहा? इश्क भी है मोहब्बत भी है और सफ़र चलते चलते टूट जाए तो? सफ़र के टूटने के बाद ही मोहब्बत का मज़ा आता है। अगर दोनों तरफ धड़कने चलना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को हासिल कर लें तो उसका क्रेज़ कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो कामयाब इश्क से ज़्यादा नाकाम मोहब्बत जो होती है वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए और ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है, रहनुमाई करती है आपकी, और एक बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। तो वो मोहब्बत क्या होती है? हाँ, और वो मिल जाए तो फिर वो उतना नहीं होता। तो गाइस, मोहब्बत भी करना है तो फॉलो करें और टूट भी जाए तो उसके लिए भी फॉलो करें, क्योंकि इधर से अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे, अच्छी अच्छी लाइन मिलेंगी। तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप कहाँ कहाँ सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं, तो कम से कम टूटने वाले जुड़ने के लिए कॉल करेंगे, और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो कुछ अच्छी लाइन्स आपसे मंगेंगे तो उनको दीजिएगा ज़रूर। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन आजकल मैं थोड़ा रह रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं @ तनवीर गाजी, ट्विटर पे इंस्टा पे @ गाजी तनवीर, ट्विटर पे @ तनवीर गाजी, और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं तनवीर गाजी, और यूट्यूब चैनल भी बहुत जल्दी हमारा शुरू होगा, उस पर भी आप इंशाल्लाह जुड़ सकते हैं। देखिए, यानी इश्क और मोहब्बत वालों के लिए बिल्कुल ब्लॉग भी चालू कर रहे हैं, और बाकी जो जिधर भी आपको सर्च करना है बिल्कुल सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे तनवीर गाजी आपको मिलेंगे, और जुड़ने के लिए और तोड़ने के लिए दोनों के लिए सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एकता की बात होती है, एकता का मैसेज दिया जाता है। और ख़ास तौर से जैसा मैंने कहा इश्क मोहब्बत, तो उनको तो ज़रूर पढ़ना होगा फिर, है ना? नहीं भी है तो ज़रूर पढ़ें ताकि आपको मोहब्बत हो। नहीं भी है तो ज़रूर पढ़ें ताकि आपको मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत ऐसी हो, साफ़ हो, इधर उधर वाली ना हो। और बाकी क्या मैसेज देना चाहेंगे तनवीर साहब? कहा जाता है शायर वो होता है जो हालात हाजरा के ऊपर बात करता है, मद्देनज़र बात करता है, प्रेजेंट के ऊपर बात करता है, तो अभी जो हालात चल रहे हैं उस पर क्या राय है आपकी? हालात तो बड़े अफसोसनाक है, हर सीने में जलन है, हर आँख में तूफान है, जलन है, यानी इधर भी हालात की भी बात की जा रही, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत दर्द अंदाज आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े दुनिया बड़े बुरे दौर से गुजर रही है इस वक्त, और हम जिस शाख पे बैठे हैं उसी को हम लोग काट रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है इंसानों की। और ये सारी लड़ाई है कि पावर मेरे पास होना चाहिए, तो उस पावर को भूल के हम एक अच्छे इंसान अगर बन जाएं, मोहब्बत से दिलों को जीतें ताकत की बजाय, तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा, वरना दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बात सही है, एक शायरी यही अंदाज में जवाब देता है, एक होने की बात शुरू में भी किया था और लास्ट में भी एक होने की बात ही किया जा रहा है। अगले प्रोग्राम में आप फिर देखिए मेरे साथ, नए चेहरे और नए हस्ती के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, मुंबई।